केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित कर दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जहां केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी तैयार कर दी है। जहां इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के प्रेसिडेंट, ये जानकारी मिल रही है। आप सभी दर्शकों को आज तक सबसे पहले ये अपडेट कर रहा है, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी गठित कर दी है और थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी कर दिया जाएगा। जहां केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी गठित कर दी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, जो बुगाहट पहले से काफी तेज थी इसको लेकर। और अब हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केंद्र ने कमेटी गठित कर दी है, जानकारी मिल रही है, ये बड़ा एक्शन और बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्या है अपडेट, क्या है इसको लेकर पूरी खबर आपके पास? देखिए बिल्कुल, कल जब संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा गया और उसका खुद ट्वीट जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया, और अब एक कमेटी गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसके कौन कौन सदस्य होंगे ये अब से कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा। तो जो प्रयास लगाए जा रहे थे, जो सूत्र हमारे बता रहे थे, वो अब कंफर्म कर रहे होते जा रहे हैं कि अब जब संसद के अंदर एक देश एक इलेक्शन को लेकर देश आगे बढ़ेगा और इस संसद के स्पेशल सत्र में जो है ये बिल लाया जा सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो बहुत बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद के अंदर इसको लेकर जो है वो चर्चा के दौरान इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों के नेता जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं ये एक बड़ा अच्छा कदम है। हिमांशु, लेकिन अंदर खाने सूत्र क्या बता रहे हैं, कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं? चलिए पूर्व राष्ट्रपति के बारे में रामनाथ को पता कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन और इसमें मेंबर हो सकते हैं? देखिए, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी जरूर रखा जाएगा, क्योंकि लीगल चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, चुनाव आयुक्त भी इसमें होंगे, लेकिन कौन होंगे इसको लेकर क्या क्या कौन पूरी तरीके से जो है वो डिटेल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व सीजीआई, पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो है और साथ ही साथ एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इसके मेंबर जरूर होंगे, क्योंकि चुनाव से जुड़ा मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशरी से। तो ये तमाम लोगों को लेकर जरूर राष्ट्रपति, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति इसमें शामिल है, और कौन कौन से सदस्य होंगे, कितने होंगे, इसकी संख्या जो अब तक कुछ देर में साफ हो जाएगी, लेकिन जरूर है कि चुनाव आयोग ने भी जो है वन नेशन और वन इलेक्शन पे जो है वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में चुनाव आयोग ने कहा था आप अपनी अपनी राय दीजिए, तब बहुत से विपक्षी दलों ने कहा था कि हम जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस को ना खड़ा हो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और खुद लॉ कमीशन इस पर पूरा काम कर रहा है, और अब एक कमेटी गठन करना यानी कि सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ रही है। और अब इसकी पुष्टि होती है कि जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो उसमें इस बिल को पास किया जा सकता है, यानी कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत वो चुनाव कराया जा सकता है। ठीक है हिमांशु, इस कमेटी के कंधे पर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये कमेटी कार्य कैसे करेगी? देखिए, इस कमेटी के कंधों पर जो जिम्मेदारी होंगी वो सभी स्टेक होल्डर से बात करना, यानी कि सभी राजनीतिक दलों से बात करना, और ओपन फोरम पर आम आदमी के लिए सजेशन खोलना और आम आदमी के सुझाव उसमें लेना, जिस तरीके से यूसीसी के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो कमेटी बनाई गई उसने सुझाव लिए, नेशनल लॉ कमीशन ने सुझाव लिए, एक तरीके से एक ओपन फोरम भी होगा और सभी स्टेक होल्डर से बात भी की जाएगी। तो इससे क्या मतलब माना जाए, इस सत्र में बिल आएगा या नहीं? देखिए, जहां तक बिल लाने और आने का सवाल है, लेकिन इतना जरूर है सरकार आगे बढ़ गई, और सरकार के आगे बढ़ते कदमों से ये साफ हो गया है कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें महत्वपूर्ण बिल ही पास होंगे। वो एक, और आज तक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी बिल है वो आज तक जो स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं
जो मुझे जिनका ध्यान है, एक कोटा के लिए बुलाया गया था, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, स्पेशल सेशन था वो संसद का। उसके बाद 2008 के अंदर जो है वो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जब न्यूक्लियर डील पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जीएसटी के लिए बुलाया गया था, और अब एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ती हुई है, और उसके बाद ये कमेटी का गठन ये बिल्कुल इस बात को पुख्ता करता है कि सरकार चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा ठीक। चुनाव है उसके साथ ही जो है हिमांशु आप वो हमारे साथ जुड़े रहे, हिमांशु आप हमारे साथ जुड़े रहे, फौरन आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जुड़ चुके हैं। अधीर जी, जानकारी मिल रहा है कि सरकार जो है कमेटी उसने गठित कर दी, अब इसको लेकर क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, आपका क्या है पक्ष? सरकार की प्रेरोगेटिव तो है कोई कमेटी गठन करने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात यह कि इस हालत में अभी क्या यह क्या जरूरी है ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इस हालत में क्या जरूरी है और इसके पीछे राज क्या है, अचानक इस तरीके की लेजिशन लाने की मंशा क्यों सरकार की हुई, ये पहले मुझे हमें देखना पड़ेगा। कोई भी मुद्दे पे चर्चा में कांग्रेस कभी नहीं डरते थे, कभी नहीं डर रहा हूँ और डरेंगे, ये सरकार की जो असलियत ये बताने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये तो सरकार का तो कहना है ना अधीर जी, सरकार तो कह रही है कि बार बार चुनाव से होने वाले पैसे की बर्बादी इससे नहीं होगी, तो क्या इसके साथ नहीं है देश का पैसा बचेगा, ये कहना है। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी है, हमारे संविधान की मतलब इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में प्लुरलिटी है, डाइवर्सिटी है, एक एक स्टेट में एक एक किस्म के हालात होते हैं, और कुल मिला के सब कुछ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटी नहीं, लेकिन मोटी सरकार तो नहीं। ये भी कह रही है ना कि नीतिगत फैसलों में इससे काफी तेजी आ जाएगी, देश जो है आर्थिक विकास समेत तमाम विकास का पहिया जो है घूमेगा, क्योंकि बार बार जब इलेक्शन की वजह से कार्य बाधित होता है आचार संहिता की वजह से, वो इससे नहीं होगा। सरकार क्या विकास करते हैं सारे देशवासी, ये खुद आप देख रहे हैं, अपना सारे देशवासी की तजुर्बा हो चुके हैं, 25-15 लाख रुपया हर जेब में आ जाएगी, काले धन लूटने के काले धन वापस लाने की बात अब सबके पास आ गए ना जेब में, इस तरीके की बातें करने का ये समय नहीं है, क्योंकि अभी सारे देश में मतलब महंगाई के चलते लोगों में त्राही त्राही मच चुके हैं। अगर सरकार की सोच में अगर नियत में कुछ साफ होती तो पहले ये मुद्दा संभालने की कोशिश करती, नहीं तो जब इंडिया जो इंडिया गठबंधन बन रही है तो सरकार की निगाह भटकाने के लिए तरह तरह के मतलब मुद्दे उनको लाना जरूरी होते हैं, इसलिए ये मुद्दे लाए तो अधीर जी, कांग्रेस पार्टी क्या इसके खिलाफ है, सरकार के इस कदम के खिलाफ है, और साथ ही इंडिया गठबंधन भी इसका विरोध कर रही है, खुलकर करेगी? अचानक अचानक इस समय ये हालत ऐसा नहीं हुई कि यही हमारे सबसे प्राथमिकता थी, अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस समय इसका प्राथमिकता थी, इसका जरूरी है कि इसी समय स्पेशल सेशन बुलाने पर इस मुद्दे को चर्चा में लाने के लिए? वो तो इसलिए ना कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है ना, तो चुनाव तो अभी होगा, तो तैयारी तो अभी से ही करनी होगी ना अधीर जी। हेलो, हाँ, चुनाव तो बेहद करीब है ना सर पे, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो उसके पहले तो तैयारी करनी होगी ना। सरकार की मंशा ऐसा है, नियत साफ नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। अगर ये सरकार इसमें गंभीर होते तो पहले क्यों, और ये मतलब औपचारिक स्तर पर क्यों नहीं करते थे आज तक, ये अचानक स्पेशल सेशन क्यों बुलाने पड़ता सरकार को? तो क्या ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश आपको लग रही है अधीर जी? अधीर जी बस एक दो सवाल है, अगर आप सुन रहे हैं तो बस उसका जवाब दे दीजिए, सभी देशवासी सुन रहे हैं आपको, आपको लगता है कि ये सरकार का उचित कदम नहीं है, विपक्ष के खिलाफ है? अधीर रंजन जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अधीर रंजन जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, लेकिन क्या ये संभव है? और विपक्ष तो अभी से विरोध कर रहा है और इंडिया गठबंधन भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी जानकारी जो मिल रही है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए सरकार क्या कह रही है, बार बार चुनाव से काम बाधित होता है, आचार संहिता लगता है, काम रुकता है, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार का ये दबाव है, विपक्ष कह रहा है संघीय ढांचे के खिलाफ है ये फैसला, पैसे की बर्बादी बंद होगी, ये पक्ष है सरकार का, ये जो कहा गया है, सरकार कहती है नीतिगत फैसले में इससे काफी तेजी आ जाएगी, विकास कार्य जल्दी संभव हो पाएंगे, विपक्ष कह रहा हर विधानसभा का अलग अलग रूल है और सरकार का ये बौखलाहट भरा कदम है, लेकिन बार बार चुनाव से काम बाधित होता है वो नहीं होगा, ये सरकार का स्टैंड है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु,
चलिए दोबारा हम रुख करेंगे, हिमांशु का रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त आप सभी दर्शकों को आज तक ये खबर ब्रेक कर रहा है और सबसे पहले ये साझा कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, खुद हमारे साथ कांग्रेस नेता वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन क्या ये संभव है एक देश एक चुनाव? देखिए जरा, हाँ सभी विधानसभाओं को अगर इसके लिए भंग करना होगा, लेकिन नहीं भी देख लीजिए उसमें ऑप्शन क्या है। आइए जल्दी से ग्राफिक के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ये देश के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको लेकर अभी से ही, क्योंकि 2024 का चुनाव उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।